हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू बैंकर। आज काफ़ी टाइम के बाद यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैंने भी क्योंकि RRBPO का फॉर्म फिल किया है तो प्रिपरेशन तो मेरी अभी तक चल नहीं रही थी, लेकिन आज मैंने एक प्रीलिम्स का मॉक अटैम्प्ट किया है। तो ये मॉक मैंने काफ़ी टाइम के बाद अटैम्प्ट किया है, आफ्टर 5 to 6 मंथ। वो स्पीड तो मेरी बिल्कुल जीरो हो गई है, और फिर भी मैं आप लोगों को अपना स्कोर दिखाती हूँ। तो यार कुछ सजेशन देना मुझे कि कैसे स्कोर इंक्रीज़ करूँ और कैसे मॉक अटैम्प्ट करूँ। और आप में से भी किसी ने भी ये वाला मॉक अगर अटैम्प्ट किया हो तो फिर मुझे अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना, या तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या फिर आप जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर बता सकते हैं। तो देखिए, मैंने थर्ड वाला दिया है, ये बाकी मॉक तो मैंने अटैम्प्ट नहीं किए हैं, मेरी मेरी एक फ्रेंड है उसने अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि मैंने अपनी आईडी एक फ्रेंड को भी दे रखी है। तो ये थर्ड वाला मॉक है और इसमें मैं अपना स्कोर दिखा देती हूँ। इसमें मेरा स्कोर रहा 46.25 और परसेंटाइल तो 69, मतलब काफ़ी कम है ये। तो स्कोर इसमें देखिए, मेरे अटैम्प्ट काफ़ी कम हुए हैं और टाइम मैनेजमेंट भी बिल्कुल ख़राब हो गया था, क्योंकि रीजनिंग को ही मैंने 26 मिनट दे दिया और 35.5 मार्क्स रीजनिंग में आए हैं, और मैथ्स भी बहुत ही कम अटैम्प्ट हुआ है। तो दिखाती हूँ मैं कि कैसा रहा। इसमें मेरे 3 क्वेश्चन तो रॉन्ग हो गए हैं, मैंने 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, इसमें से 47 करेक्ट है और 3 रॉन्ग है। और रीजनिंग में 35 है, 26 मिनट में अटैम्प्ट किया था, और इसके बाद ये कांट है, कांट में तो 10 ही आए हैं, तो ये तो बहुत ही बेकार रहा, क्योंकि 11 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट हो पाए और वो भी 19 मिनट में, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहा। तो इसका आप मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, और ये 10th नंबर का क्वेश्चन एक मेरा रीजनिंग में रॉन्ग हुआ है जो कि इनइक्वालिटी है, और 39 नंबर का एक और ये सिलोगिज्म है जो गलत हो गई है। तो आप लोग भी बताना मुझे आपका क्या स्कोर रहा। रीजनिंग तो मेरा ठीक रहा, बट कांट मेरा सही नहीं रहा, कांट में क्योंकि बहुत ही कम अटैम्प्ट हुआ है ये, और इसमें भी एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया है 79 नंबर का, जो डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। तो ठीक है, अब आप लोग ने भी अगर दिया हो तो बताना मुझे, और इसके बाद नेक्स्ट मॉक मैं कल दूंगी ओलिप का, तो उसमें भी मैं अपना स्कोर शेयर करूँगी। आप लोग भी बताना कि कैसा रहा, क्या रहा, और बाकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है ये भी बताना। और ठीक है, फिर हम लोग साथ में ही मॉक अटैम्प्ट करते हैं जैसे लास्ट ईयर कर रहे थे हम लोग। तो ठीक है, अब देखते हैं कैसा रहता है अगला नेक्स्ट मॉक में स्कोर। तो ठीक है गाइस, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर RRB।